चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इस चैप्टर में हम फंक्शंस पढ़ेंगे और उन पर जो लिमिट्स अप्लाई की जाती हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस देखें, एक एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शंस एक मशीन की तरह है, ठीक है। इस तरह से ये एक मैं मशीन ड्रा करता हूँ कि लेट्स सपोज ये बॉक्स जो है वो एक मशीन है, ठीक है। और इस पर एक इनपुट दी जाती है, ठीक है। इस मशीन को कोई इनपुट दी जाती है और फिर ये जब फंक्शन को जब हम इस मशीन को जब इनपुट देते हैं तो ये कोई प्रोसेसिंग करती है उस इनपुट पे, ठीक है। कोई भी उस पर मेथड अप्लाई करके ये कुछ भी प्रोसेसिंग होती है उस पर, ठीक है। तो फिर हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें वो मशीन कोई ना कोई आउटपुट दे देती है, सही। तो मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? एक तो हम इनपुट दे रहे हैं किसी मशीन को, सही है, और वो उसमें प्रोसेसिंग करता है मशीन जो है, कोई भी रिलेशन मतलब अप्लाई करके या कुछ भी करके उस पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, प्रोसेसिंग। और फिर प्रोसेसिंग के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलती है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की एग्जांपल की तरह है, ठीक है। फंक्शन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। फंक्शन किस चीज़ को शो कर रही होती है कि कोई इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रिलेशन को एक्सप्रेस करना, ठीक है, वो फंक्शन होता है। मतलब कि जिस तरह लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ये एक फंक्शन है, सही है। ये फंक्शन कैसे है अभी पहले देखते हैं कि ये एफ जो है, एफ की चीज़ है, एफ जो है वो नेम है, नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब इसमें एक्स क्या चीज़ है? एक्स जो है वो इनपुट है, ठीक है। मतलब कि हम जो इस मशीन को इनपुट दे रहे हैं उस तरह से हम फंक्शन में भी इनपुट कोई ना कोई देते हैं, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू होती है या किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो एक्स क्या चीज़ है? इनपुट है, एक्स इज इनपुट। अच्छा, और ये एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर जो है व्हाट टू आउटपुट, मतलब कि आउटपुट हमारे पास क्या है, सही है, व्हाट टू आउटपुट। ये एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स का हम जो एक्स जो है इनपुट है उसको उसका स्क्वायर ले लिया जाए तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है, सही है। तो ये रिलेशन हो गया इनपुट और आउटपुट के दरमियान कि एक्स और एक्स इनपुट का स्क्वायर ले लिया जा रहा है, ठीक है, और फिर हमारे पास आउटपुट बन रही है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। एक तो फंक्शन का नेम, ये कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने इन जनरल जो है एफ हम यूज़ करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो एफ के नाम से हम फंक्शन का नाम यूज़ करते हैं। तो एफ की जगह कुछ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है फंक्शन का, जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में एक्स, एक्स की जगह भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स मैंने इनपुट का नाम रखा हुआ है, एक्स इज़ द इनपुट, सही है, इस फंक्शन की। तो आप कुछ और भी रख सकते हैं इनपुट की जगह, सही है, वाई रख सकते हैं या कुछ भी आप एच रख सकते हैं या कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई सी भी इनपुट हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगी आउटपुट के लिए कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में क्या रिलेशन बनता है, उस तरह से उस एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली लिखेंगे कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रिलेशन क्या है, सही है। तो इस तरह से ये एक फंक्शन बन जाता है। अच्छा, अब फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज एक बच्चा है, ठीक है, वो हर साल उसकी हाइट में 4 इंचेस का इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है। मतलब कि वो पहले था, एक साल का हुआ 4 इंचेस उसका जो है हाइट बढ़ी, उसके बाद 2 साल का हुआ और 4 इंच बढ़ गई, ठीक है, 3 साल का हुआ मज़ीद 4 इंच उसकी हाइट बढ़ गई। मतलब कि इस तरह से ये एक लेट्स सपोज बच्चा है, ठीक है, एक साल के बाद आफ्टर वन ईयर क्या हुआ, उसकी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ कितना, 4 इंचेस का, सही है। तो मतलब कि फिर आफ्टर वन ईयर चार इंच का और इंक्रीज़ हो गया, सही है। मतलब कि हम सपोज़ करें कि एक बच्चे की हाइट उसकी एज के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है,
और कितनी बढ़ रही है, 4 इंच, हर साल बाद 4 इंच का इंक्रीमेंट आता है। तो हम इसका अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो फिर किस तरह से लिखेंगे कि हाइट और हाइट, इसमें देखें यहाँ पर आउटपुट क्या है, क्या चीज़ बढ़ रही है, हाइट, ठीक है, हाइट बढ़ रही है, मतलब कि हाइट क्या होगी, आउटपुट होगी, और किसके साथ बढ़ रही है, किस से रिलेट हो रहा है वो, एज के साथ, मतलब कि एज से रिलेट हो रही है हाइट, तो एज इसमें इनपुट हो गई और हाइट इसमें आउटपुट हो गई, सही है। तो इसमें हम इस तरह से लिख देते हैं, हाइट इज़ द आउटपुट, हाइट नाम रख देते हैं फंक्शन का, ठीक है, तो और इनपुट में क्या आ रही है, एज आ रही है, सही है, एज के साथ साथ बढ़ रही है। अच्छा, आई एज और हाइट के दरमियान में रिलेशन क्या बन रहा है, सही है, तो वो देख लेते हैं। एज को अगर हम मल्टीप्लाई करें किस 4 इंचेस से, तो हमारे पास आउटपुट बन जाती है, सही है, मतलब कि 1 साल का हुआ, एज 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 ईयर, 1 ईयर मतलब कि 1 साल बाद 4 इंचेस का, फिर 2 साल बाद वो 2 × 4 हो जाएगा, 8 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। किसी भी एज पे, किसी भी उम्र पे उसकी अब हाइट निकाली जा सकती है, ठीक है। तो हम लेट्स सपोज 8 इयर्स, जब वो 8 साल का हो गया तो उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, कितनी इंक्रीमेंट हुई है, हाइट 8 इयर्स, एज 8 इयर्स आ गई, इज इक्वल टू एज की जगह 8 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 इंचेस, तो ये बन गया 32 इंचेस, मतलब के 32 इंचेस का इंक्रीमेंट आया है 8 सालों में, सही है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम हमने ली, ठीक है, उसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू शो किया। तो फंक्शंस ये होते हैं कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है, या फिर आप बात करें कि कोई एक, ये एक रीजन है, सही है, लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है, सही है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, तो ये लेंथ्स हैं इसके, L1, L2, L3 जो भी है, ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखें एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स सपोज लेंथ मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, तो रीजन का एरिया भी बढ़ जाएगा, सही है, इस रीजन का एरिया बढ़ गया क्योंकि ये इसकी लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी, सही है, अगर मैं कम करूँगा लेंथ को तो एरिया भी कम हो जाएगा, सही है। तो मतलब कहने का ये है कि एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, मतलब कि किसी भी कोई क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, सही है। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है फंक्शन। अब यहाँ पर देखें एल जो है इसको मैं इंक्रीज़ करूँ तो एरिया स्क्वायर का इंक्रीज़ हो रहा है, उस रीजन का इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें इनपुट क्या है, लेंथ है, और आउटपुट एरिया है, सही है। तो हमने देखा कि फंक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, सही है, और साथ में हमने देखा कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, पहले नाम लिखा जाता है, उसके बाद इनपुट होती है, इज इक्वल टू उसकी रिलेशन होता है कि किस तरह से उसकी आउटपुट आएगी। अच्छा, अब हम आते हैं रेंज, एक चीज़ होती है रेंज और डोमेन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन क्या होती है। देखें, अब पहले हमने बात की थी कि इनपुट की, सही है, तो इनपुट हम क्या दे सकते हैं इसको, सही है, हमने बच्चे की बात की जो एग्जांपल के तौर पे हमने यूज़ किया, ठीक है, उसमें एज इनपुट है, सही है। अब इस एज को हम 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम डिजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, एज नहीं ले सकते, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनती, एज नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो दूसरी बात के अगर हम नेगेटिव एज लें भी तो फिर हमारे पास हाइट भी नेगेटिव में आएगी, हाइट कभी, हाइट या लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट वो होगी जो डिफाइंड हो, मतलब के उससे एक सेंसेबल आउटपुट आए, ठीक है। तो डोमेन जो है वो इनपुट होती है
जो हम फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन को दे सकते हैं इनपुट। तो डोमेन ये होगी, और रेंज क्या होगी, रेंज वो होती है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को उससे हमारे पास आउटपुट क्या आती जा रही है, सही है, इनपुट हम देते जाएँ, सही है, तो सेंसेबल इनपुट हम देंगे और हमारे पास आउटपुट भी सेंसेबल आएगी, तो वो हमारे पास आ गई रेंज, सही है, वो बन जाती है रेंज। डोमेन और रेंज हो गया फंक्शन का। तो इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सही है, ये एक फंक्शन हमें अगर गिवन है तो इसकी हमने डोमेन और रेंज देखनी है, फाइंड करनी है, तो हम कैसे देखेंगे। देखें अगर ये फंक्शन है तो इसमें हम एक्स जो है इनपुट के तौर पर यूज़ करें, सही है, और ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है आउटपुट का कि आउटपुट कैसे आएगी। अब इसमें हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं जिससे हमारे पास सेंसेबल आउटपुट आए, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देखें अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हमारे पास एक्स बाय 0 बन जाएगा, ठीक है, तो एक्स बाय 0 जब बन जाएगा तो वो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड हम वैल्यू नहीं लेंगे, सही है, तो अनरीचेबल वैल्यू होती है, सही है, तो हम रीचेबल वैल्यूज़ लेते हैं आउटपुट भी और देखते हैं कि इनपुट हम कौन सी करें ताकि हमें हमारे पास रीचेबल आउटपुट्स आएँ, सही है, सेंसेबल आउटपुट्स आएँ। तो अब यहाँ पर देखें हम कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करें तो ये 0 बनता है, उसके लिए हम देखेंगे। इसके लिए अगर मैं इसमें 2 पुट करूँ तो ये बनता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0 हो जाता है, और अगर मैं -2 पुट करूँ फिर भी ये 0 डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड -2, सही है, 2 और -2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, सही है, तो ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और फिर हमारा जो हमारे पास आउटपुट इन्फिनिटी आ जाती है, अनरीचेबल आ जाती है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो अनरीचेबल या अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए, सही है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा सब वैल्यूज़ जो हैं ऑल रियल नंबर्स हमारे पास जो है वो इसकी डोमेन बन जाती है, ठीक है, तो डोमेन हम लिख सकते हैं डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट, किसके, ये 2 और -2, ठीक है, 2 और -2 के अलावा सब वैल्यूज़ जो हैं उसकी डोमेन में आती हैं, मतलब कि उसके इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा हम कोई सी भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई सी भी वैल्यू इनपुट करने से हमारे पास सेंसेबल आउटपुट आएगी, ठीक है, तो ये तो होगी डोमेन। अब रेंज क्या आएगी, तो हम जो जो इनपुट कर सकते हैं उनमें वैल्यूज़, ठीक है, वो इनपुट करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यूज़ आती हैं वो इसकी रेंज बन जाती है, सही है, तो रेंज इसकी क्या बनेगी, देखें आप 2 और -2 के अलावा सब पुट कर रहे हैं, ठीक है, 2 और -2 पे क्या वैल्यूज़ आती हैं, इन्फिनिटी आती है, मतलब कि इन्फिनिटी इसकी रेंज में नहीं आ रही, सही है, इन्फिनिटी के अलावा सब वैल्यूज़ जो हैं इसकी रेंज में आ जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सही है, ऑल रियल नंबर्स। तो इसका दूसरा मेथड ये होता है चेक करने का, डोमेन चेक करने का, कि आप इसको इक्वल टू, देखें आप इस फंक्शन में क्या चाह रहे होते हैं कि आपके पास सेंसेबल आउटपुट आ रही हो, ठीक है, सेंसेबल आउटपुट कौन सी बनती है कि सिर्फ इन्फिनिटी ना आए, सही है, इन्फिनिटी किस पे आ रही है वो आप चेक कर लें कि इस अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तब जाके हमारे पास इन्फिनिटी बन जाती है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सही है, यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास x इज इक्वल टू +-2 आ जाता है, सही है, तो ये ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास इक्वल टू 0 रखने से, इसको मैंने निकाल ली कि जिस पे ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है, तो इस इन वैल्यूज़ के अलावा आपके पास डोमेन बन जाती है, सही है,
तो डोमेन जब निकल आती है वो हम पुट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रेंज क्या आ रही है, ठीक है, आउटपुट क्या आ रही है, तो वो जो आउटपुट होती है वो हमारे पास ये इस फंक्शन की रेंज बन जाती है। अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ्स, ग्राफ्स किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं एक फंक्शन के। देखें, हमें कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, उसमें हम लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, सही है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, इनपुट एक करते हैं, ठीक है, और हमारे पास आउटपुट पे वैल्यूज़ आती जाती हैं, सही है। मतलब कि एक्स में वन पुट करता हूँ तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, यानी कि वन, एफ ओ वन जो है वन का स्क्वायर लें तो वन ही आ जाता है, सही है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू टू का स्क्वायर इज़ फोर, सही है। इसी तरह से एक्स में जब थ्री पुट करता हूँ तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, इज़ इक्वल टू नाइन। इस तरह से अब देखें आपके पास पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, वन कॉमा वन, टू कॉमा फोर, सही है, और थ्री कॉमा नाइन, इस तरह से पेयर्स बन रहे हैं। अब आप इन पेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, सही है। ये एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोला जाता है। तो इसमें आप पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। तो जहाँ पर एक्स वन होगा फंक्शन भी वन है, सही है, तो ये पॉइंट बन जाएगा वन कॉमा वन, सही। इसी तरह से टू कॉमा फोर जो है, मतलब कि जब एक्स जो है वो है टू तो फंक्शन को होना चाहिए फोर, थ्री फोर, यहाँ पर फोर आता है, सही है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से यहाँ पर ये पॉइंट बन जाता है टू कॉमा फोर, सही है। तो इसी तरह से अब आगे थ्री कॉमा नाइन, जब एक्स थ्री हो तो यहाँ कहीं जाकर नाइन बन जाएगा, सही है। वाई की वैल्यू फंक्शन जो है ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन की एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस तरह से अब इसको जो है ज़ीरो पे ज़ीरो आएगा। इस तरह से इन पॉइंट्स को फिर आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास ग्राफ बन जाता है, सही है। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं कि उस फंक्शन में हम इनपुट करते जाएंगे कोई ना कोई वैल्यूज़, ठीक है, और फिर आउटपुट आती जाएंगी, हमारे पास पेयर पॉइंट्स बनते जाएंगे और उन पेयर पॉइंट्स को आप एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं और उनको पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो आपके पास ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा, सही है। तो अच्छा, अब फंक्शन ग्राफ से अगर हम देखना चाहें कि वो फंक्शन है भी या नहीं, देखें ग्राफ्स अगर ये मैं ड्रॉ करूँ, इसमें ये एक्स वाई एक्सिस हम ले लेते हैं, इसमें हम कोई फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, सही है, ये ग्राफ आ गया लेट्स सपोज किसी फंक्शन का। तो अब यहाँ पर देखें, आप इसको चेक करना चाहें कि ये क्या ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, सही है। तो इसको चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इस पे स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी हर जगह पर आप चेक करें वर्टिकल लाइन लगा कर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ, वर्टिकल लाइंस मैंने लगाई इस ग्राफ के ऊपर, तो मैंने चेक किया कि क्या एक से ज़्यादा पॉइंट पे मेरी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कट करती है या नहीं, ठीक है। तो ये देखें, ये लाइन जो है सिर्फ ग्राफ को यहाँ से कट करी है, एक पॉइंट पे कट करी है, ये भी वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कट करी है, ये भी वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट करी है, ठीक है। मुख्तलिफ जगहों पे हम लगा कर चेक करेंगे वर्टिकल लाइंस, तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे वो कट कर रही हो वो लाइन उस ग्राफ को, तो उसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन नहीं है, सही है। जब ये एक सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन है, सही है। लेट्स सपोज हम ये फंक्शन हो गया, ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ है। एक और हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, सही है। तो इसमें देखें, अब इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं तो क्या होगा, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगाई इस पे एक पॉइंट पे कट करी है, सही हो गया। इस पे मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, इस पे देखें तो वन टू थ्री, इस ग्राफ को तीन जगहों पर कट कर रही है ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है, सही है। तो इसको हम कह देंगे नॉट अ फंक्शन,
ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो इससे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं किसी भी ग्राफ को कि वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। सही है। तो अब हम वैसे किसी भी एक्सप्रेशन को भी चेक किया जा सकता है। सही है कि किसी फंक्शन की एक्सप्रेशन को किस तरह से चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो उसको इस तरह से चेक करेंगे कि हम इनपुट कोई भी करके देखें, कोई भी वैल्यू इनपुट करके देखें। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास आउटपुट आए, किसी एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट आए, तो वो फंक्शन नहीं होता। सही है। हर एक इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट आनी चाहिए। सही है। मतलब कि ये मैं बात करूँ कि ये इनपुट है, सही है, ये आउटपुट है, इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इसमें ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं इनपुट में। सही है। ये 1 होगी, ये 2 है, 3 है, 4 है। सही है। ये आउटपुट्स आ गई। अब देखें इस पे, अगर 1 पे सिर्फ ये आउटपुट आती है, ठीक है, 2 पे सिर्फ ये आउटपुट आती है, 3 पे सिर्फ ये आउटपुट आती है, 4 अगर इनपुट करता हूँ तो सिर्फ ये आउटपुट आती है। सही है। तो ये एक फंक्शन है। सही है। तो इसको 1-to-1 फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये एक इनपुट है और ये आउटपुट है। सही है। तो इस इनपुट पे ये आउटपुट आ रही है, ठीक है, इस इनपुट पे भी ये आउटपुट आ रही है। सही है। इस इनपुट पे ये आउटपुट आ रही है, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है। 1-to-many फंक्शन इसे कहा जाता है। या अच्छा, और अगर हम बात करें कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सही है। इनपुट और ये आउटपुट, अगर हम इनपुट्स इसमें ये ले लेते हैं, ये इनपुट्स हैं, ठीक है, और ये आउटपुट्स हैं। अगर इस पे पहली वैल्यू पे ये आउटपुट आती है, ठीक है, और इस इनपुट पे कोई और वैल्यू भी आती है, लेट सपोज ये भी वैल्यू आ रही है, सही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। नॉट अ फंक्शन, सिर्फ यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, नॉट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि किसी यूनिक इनपुट पे यूनिक ही आउटपुट आनी चाहिए। सही है। एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आ सकती किसी यूनिक इनपुट पे। तो फंक्शन को हमने दो तरह से देखा, ग्राफ से भी हम वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने चेक किया कि किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है। तो दूसरा, हम एक्सप्रेशन को भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इनपुट कर सकते हैं वैल्यू, और फिर हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक पे, किसी एक यूनिक इनपुट पे मज़ीद आउटपुट तो नहीं आती, एक से ज़्यादा आउटपुट तो नहीं आती। अगर आती हैं तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर यूनिक आउटपुट आती है तो वो फंक्शन है। सही है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट 1। अब आगे हम फंक्शन की टाइप्स डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में।